देखो रे डायग्राम का रूल क्या है। पहला रूल जो है कंटिन्यू के केस में, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाएगा। आप लोग लिख भी सकता है ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कंटिन्यू मिरर इट पासिस थ्रू फोकस लिख सकता है। अब देखो कन्वेक्स के केस में ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल। अब देखो अब ये क्या होएगा, डाइवर्स होएगा। तो कहाँ से डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा, फोकस से डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा पहला रूल। तो कन्वेक्स के केस में क्या लिख सकता है, एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस। फोकस से एक्चुअल में डाइवर्स नहीं हो रहा है तो वहां पर लिख लेना है अपीयर टू डाइवर्स, फोकस से डाइवर्स होते हुए दिख रहा है। ठीक, सेकंड रूल देखो। ये आपका पोल है, ठीक है, यहां पर आपका जो है फोकस। कोई भी रे जो फोकस से पास होगा, ए रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे होगा जो कनक्यू की केस में फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां पर जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो कन्वेक्स के केस में, ठीक है, तो देखो यहां पर आएगा फोकस और यहां पर आएगा पोल। ठीक है, तो यहां पर तो फोकस से पास नहीं होगा क्योंकि फोकस क्या है, इसके बेक साइड। तो आप लोग यहां पर इस तरह से डॉट डॉट बना दें, तो यहां पर इस तरह से लिख लेना ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। जो भी रे जिसका डायरेक्शन फोकस की तरफ होगा, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या आ जाएगा, इट इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स के केस में फोकस से पास नहीं होगा, कन्वेक्स के केस में आपको फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। तो इसमें लिख लेना ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस, जिस रे का डायरेक्शन जो है फोकस की तरफ है वो रिफ्लेक्ट होके कहां पर आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ये आपका थर्ड, यहां पर आप लोग जो है रे डायग्राम बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा रूल की जरूरत पड़ेगा आपको, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद मीट करवाना है तो दो दो कम से कम चाहिए। कभी कभार आप तीन ले लो, चार ले लो, मैक्सिमम चार ले लो, तो तीन भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हैं। मीन्स आप लोगों का दो रूल आप लोगों का बहुत जरूरी है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो देखो थर्ड रूल, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस, फोकस यहां पर आएगा आपका कर्वेचर। ये भी याद रखने ना, मीन्स यहां से ये डिस्टेंस कितना बनेगा आर, तो ये वाला डिस्टेंस को आप लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, याद रखना। ठीक है ना, पहले हमने बताना था, डिस्कस करना था, ये होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच के जो डिस्टेंस होगा ना, इसको आप लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है ना, स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ मीन्स फोकल लेंथ। इसका मतलब जो है पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, देखो और आप लोगों का एक रिलेशन आएगा, आर इज इक्वल टू टू एफ। ठीक है, ट्वेल्थ वाले ये डिराइव भी कर लेना है, मैं डिराइव नहीं करूंगा, ट्वेल्थ वालों ये डिराइव कर लेना, मैं मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव कर दूंगा। ठीक है, और टेंथ वालों के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है। टेंथ वाले इतना याद रखना, अगर रेडियस दे रखा होगा तो आप लोगों का रेडियस किसके बराबर होता है, ट्वाइस फोकस। अगर फोकस दे रखा होगा रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दे रखा होगा तो फोकस निकाल सकता है, ये रिलेशन यूज करके। ठीक है, तो देखो आपका इधर बना दो, को ये बना दो फोकस और ये कहो इसका सेंटर। ठीक है, तो यहां पर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो आपका अगर कोई भी रे जो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, किसके केस में, कंक्यू के केस में, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी पाथ को फॉलो करके। इस तरह से लिख सकता है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कंक्यू मिरर After reflection, it follow the same path. तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी रे जो सेंटर से पास होगा रिफ्लेक्शन होने के बाद वो उसी पाथ से वापस जाएगा, फॉलो द सेम पाथ। ठीक,
कन्वेक्स के केस में देखो आपका, ठीक है, कन्वेक्स के केस में आपका यहां पर अगर फोकस होगा तो यहां पर कर्वेचर होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपका जो है कर्वेचर से पास होगा, तो आप लोग इस तरह से फिर से डॉट डॉट कर देना, इसमें ऐसे लिख लेना जिस रे का डायरेक्शन फोकस की तरफ होगा, क्योंकि फोकस से पास नहीं होगा, जिस रे का डायरेक्शन फोकस की तरफ होगा वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को फॉलो करेगा, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड, सॉरी फोकस नहीं कर्वेचर, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ, लिख सकते हैं। लास्ट रूल देखो आपका का ये, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल इंसिडेंट होगा, ऑप्टिकली मींस कोई भी रे अगर कुछ एंगल बना के इंसिडेंट होगा, किसके साथ एंगल बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द पोल, ठीक है ना, एंगल तो यहां पे बना सकता है, लेकिन आप लोगों ने क्या लिख लेना है, ए रे इंसिडेंट ऑप्टिकली, कोई भी रे होगा जो इंसिडेंट होगा ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मींस कुछ एंगल बनाएगा, जैसे कि मैं नाम दूंगा थीटा, ठीक है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन क्या टुवर्ड्स द पोल, डायरेक्शन भी शो करना है, टुवर्ड्स द पोल इट रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली, अगर आप लोगों का कोई भी रे होगा कंक्यू मिरर के केस में या कन्वेक्स दोनों के केस में, आप लोग सेम लिख लेना है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, कोई भी रे जो आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिकल, ओ बी एल आई क्यू यू ई एल, कोई भी रे जो ऑब्लिकली, ऑब्लिकली लिख सकता है, ठीक है ना, ओ बी एल आई क्यू यू एल वाई, कोई भी रे जो ऑब्लिकली मीन्स कुछ एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ टुवर्ड्स द पोल, ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ फिर से क्या होगा, ऑब्लिकल होगा, एंड रिफ्लेक्ट ऑब्लिकल, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑब्वियस होगा, ठीक है ना, बाकी सारे में भी होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो भी ये जरूरी नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन में ऑब्वियस होना ही होना है, तो वहां पर लिखा होगा ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिखा होगा, यहाँ पर थीटा होगा तो ये भी थीटा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बन जाएगा, तो सेकेंड केसेस में भी देख सकते यही, ठीक है, कोई भी रे आप लोगों का ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा तो ये क्या कर जाएगा, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, अगर ये आप लोगों का अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है,